सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए गोलोक धाम में राधा रानी के साथ में एक सुख पक्षी रहता था और वो सुख पक्षी बार बार राधे कृष्ण जपा करता था। और एक दिन भगवान ने कहा हमें पृथ्वी में जाकर के लीला करना है। तो राधा रानी कहती है प्रभु आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे। और वो पक्षी कहता है आप चले जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे पृथ्वी पर। और राधा रानी ने आदेश दिया पृथ्वी में जाकर के भगवान के लीला का वर्णन करो, उनके लीला का प्रचार करो, सभी प्राणियों को भागवत कथा सुनाओ। अब वो पक्षी ही भोले बाबा के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी कैलाश की ओर चले गए। कैलाश में भोले बाबा उस समय अपने तपस्या में विराजमान थे, समाधि में थे। तो नारद जी चले गए, पार्वती माता ने जैसे देखा पूछने लगी नारद जी आप कब पधारे, आप आजकल आते ही नहीं हो। तो पार्वती जी ने जैसे पूछा नारद जी कहते मैया मैं आपको क्या बताऊं, संसार के सब लोग इतने लड़ाई करते इतने झगड़ा करते हैं इसलिए मुझे कहीं जाने का मन नहीं होता, मैं तो अपना भजन करता हूँ और एक जगह बैठता रहता हूँ। अब पार्वती माता ने जैसे सुना नारद जी से कहती है देखो नारद जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो कभी लड़ाई झगड़ा हम लोग करते नहीं, सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं। तो नारद जी ने कहा अच्छा मैया आप लोग कभी लड़ाई नहीं करते, बोले ना बिल्कुल लड़ाई नहीं करते। मैया ने कहा भोले बाबा तो मुझे सब कुछ बताते हैं, अगर पति सब कुछ बता दे तो पत्नियां लड़ेंगी ही नहीं, है ना। यहाँ के बाबा लोग सब कुछ बताते क्या, कुछ तो बात है जो आज तक आपको नहीं बताए होंगे, जाकर के पूछ लेना प्यार से बोलो। अब देखिए लड़ाई मत करना, लेकिन जोर से बोलो ना जी। भोले बाबा समाधि में विराजमान है तो माता पार्वती कहती नारद जी हमारे घर में बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी, कभी हम लड़ते नहीं, भोले बाबा सब कुछ हमें बताते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं है। अब उसके बाद नारद जी ने मैया से पूछा मैया आप एक बात बताओ भोले बाबा आपको सब बताते, बोले हाँ सब कुछ बताते हैं, कुछ छुपाते नहीं है। तो नारद जी ने पूछा मैया एक बात बताओ भोले बाबा ने जो नरमुंड के माला धारण किया वो किसका है। मैया को पता नहीं था, वो बात बताया भी नहीं था भगवान ने। अब मैया को लगा भगवान ने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतनी बड़ी बात, वैसे तो भगवान कहते सब कुछ बताता हूँ लेकिन वो माला किसका है मुझे आज तक पता नहीं है। फिर मैया कहते नारद जी ऐसा कुछ बात नहीं है, भोले बाबा तो बताते, मैंने ही पूछा नहीं था। नारद जी तो चले गए। अब जैसे भोले बाबा आए देवी जी मुंह खुला करके कोप भवन में जाकर के गुस्सा होकर के बैठी हुई थी। अब उस टाइम में जब क्रोध आता था ना तो माताएं जाकर के कोप भवन में गुस्सा होने के लिए अलग से कमरा बनाया जाता था, वहां जाकर के क्रोधित होकर के बैठ जाती थी। अब मैया पार्वती बैठ गई, भोले बाबा गए, मैया को ढूंढा चारों ओर देखा कहीं नहीं मिली। तो जाकर के कोप भवन में देखा तो मैया बड़ी क्रुद्ध होकर के विराजमान है। भोले बाबा ने पूछा देवी क्या हो गया, क्या बात है, क्यों क्रोधित तो हो, कारण मैं जान सकता हूँ। आजकल की माताएं होंगी तो आजकल की माताएं तो जब क्रुद्ध हो जाती है शांत नहीं बैठेंगी,
पूरा पूरे बर्तन को अपने साथ साथ काम में लगाएंगे। प्यार से बोलो, खुद तो बोलेंगे ही बहुत ज्यादा, बर्तन को और बजाएंगे ही। जोर से बोल दीजिए ना। अब भोले बाबा, बुरा मत मानना, भोले बाबा अपनी माता पार्वती से पूछते हैं, देवी क्या कारण है? मैया कुछ नहीं बोलती, कुछ बोला ही नहीं। अब भगवान प्रेम से पूछते, बताओ ना देवी क्या कारण है? तब मैया कहने लगी, आपके गले में जो मुंड माला है वो किसका है? भोले बाबा ने कहा, ये नहीं पता का, ये तो आप ही का सर है। और क्रोध आया। तो उसके बाद मैया ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? भोले बाबा कहते हैं, आपका मृत्यु हो जाता है तो मैं आपके याद में ये धारण करता हूँ। तो उसके बाद मैया कहती, प्रभु आपका मृत्यु नहीं होता क्या? बोले, नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अमर कथा पान किए हैं। भोले बाबा ने अमर कथा पान किया है, इसलिए भोले बाबा का मृत्यु नहीं होता। मैया कहते, मुझे भी वो अमर कथा पान कराइए, कैसे भी है हो मुझे तो पान करना है अमर कथा। और उसके बाद प्यारे भोले बाबा ने माता पार्वती को कहा, यहाँ पर नहीं, अमरनाथ चलो। वहाँ चले गए और जितने भी पशु पक्षी थे सबको भगाया और एकांत में बैठ करके भोले बाबा नेत्र बंद करके भागवत कथा श्रवण कराने लगे और माता पार्वती बड़े भाव से बैठ करके श्रवण करने लगी। जितने भी पक्षी थे सबको भगाया, लेकिन एक अंडा पड़ा हुआ था। मैया ने सोचा, ये तो अंडा है, इसको थोड़ी ना पता चल जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ भागवत प्रारंभ हुआ, भागवत के संकीर्तन से, भागवत के श्लोक के कारण वो अंडा नीचे गिर गया और वो फूट गया। वहां से छोटा सा पक्षी निकला और वही पक्षी आसन के पीछे बैठ करके भागवत कथा सुन रहा था। लेकिन भागवत कथा सुनाते 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 भोले बाबा नेत्र बंद करके सुना रहे थे, मैया सुन रही थी, बीच में उनको नींद लग गई, नेत्र बंद हो गया, माता जी सो गई। और उसके बाद सुख पक्षी ने माता पार्वती के आवाज में बीच बीच में ओम ओम उच्चारण किया। ओम का मतलब हाँ, हम सुन रहे हैं। भोले बाबा सुनाते जा रहे थे, मैया जी तो सो गई और उसी आवाज करके, मैया जी का आवाज जैसा ही आवाज निकाल करके उस पक्षी ने बीच बीच में ओम का उच्चारण किया। और बाद में जैसे ही भागवत कथा संपूर्ण श्रवण कराया और भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोली भागवत भगवान की, जैसे जयकारा लगाया मैया उठ जाती है, नींद खुल गया। और उसके बाद भोले बाबा से पूछते हैं, हाँ प्रभु तो बताइए आगे क्या हुआ? भगवान ने जैसे सुना, देवी जी से पूछने लगे, आपने नहीं सुने कथा? तो मैया कहती, मैं तो सो गई थी, मुझे नींद लग गया। तो भोले बाबा इधर उधर देखते हैं, ओम आवाज तो आ रहा था, किसने कथा श्रवण कर लिया? तो इतने में आसन के पीछे से वो पक्षी उड़ करके चला गया। वो पक्षी जैसे चला गया, भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उसके पीछे पीछे भागने लगे। देखिए, आसन के पीछे से कथा सुनते हैं तो वो चोरी वाला कथा कहलाएगा। वो पक्षी ने चोरी से कथा श्रवण कर लिया, इसलिए कभी भी वक्ता के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए, सामने बैठ करके सुनना चाहिए। अब पक्षी तो चला गया और उसके बाद भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं पीछे पीछे, आज इसको छोड़ूंगा नहीं, इसने चोरी से कथा श्रवण कर लिया, अमर कथा पान कर लिया। दौड़ करके जाने लगे, लेकिन व्यास जी की धर्म पत्नी छत पर बैठी हुई थी, इतने में उनको जमाई आया और मुख के द्वार से अंदर प्रवेश कर गया वो छोटा सा पक्षी, सुख पक्षी। और वही पक्षी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 साल तक निवास करते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं।
और इस संसार में आने के बाद तुरंत भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के भजन करने के लिए निकल जाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने इस प्रकार भागवत कथा श्रवण किया था।